यू नीड टू बी डायरेक्टर ऑफ योर ओन माइंड. आपको अपने मस्तिष्क का खुद निर्देशक बनना है. आमतौर पे हम अपने जीवन के निर्देशक खुद नहीं होते हैं. आमतौर पे हमारी परिस्थितियां होती हैं या दूसरे निर्देशक होते हैं. कोई चाहता है खुश करना तो हम खुश हो जाते हैं, कोई चाहता है दुखी हो जाना तो हम दुखी हो जाते हैं. हमने अपने आप को दूसरे ऊपर दे रखा है. भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, मन को दास बनाओ, तुम मन के दास मत बनो. मन को तुम दास बनाओ. यदि तुमने मन को दास बना लिया तो पूरा जीवन तुम्हारे कंट्रोल में होगा. लेकिन तुम यदि मन के दास बन गए तो जिंदगी भर सिर्फ तुम दास बने रहोगे. राइट. इसलिए आपका एक इंपॉर्टेंट जो चुनौती आपके लाइफ का है, यू हैव टू बी डायरेक्टर ऑफ योर ओन माइंड. आपके चॉइस से आपके दिमाग को कब खुश होना है, कब नाराज होना है, कब गुस्सा होना है, कब खुश होना है, ये आपकी चॉइस होनी चाहिए. जिस दिन से आपको ये कला आ गई कि आप अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी को अपने चॉइस से चेंज कर सकते हैं, उसी दिन आप सक्सेस के सही रास्ते पे चले गए. आमतौर पे ऐसा नहीं होता. जैसे आप पढ़ने बैठेंगे, जिस दिन आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है उस दिन सबसे पेंडिंग काम उसी दिन याद आएगा. आप जैसे जैसे पेज पलटना शुरू करोगे सारा पेंडिंग काम याद आ गया कि उस पर फोन करना रह गया, उसको वो चीज रह गया. हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी याद आएगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा तो पॉलिटी आएगा. राइट. आपका माइंड जो है वहां नहीं होता. ये एक कला है जिसको डेवलप करना है कि आपको जहां रहना चाहिए आप वहीं माइंडफुलनेस के साथ आप वहीं हैं. ये अपने आपका एक अभ्यास है, एक ट्रेनिंग है जिसको डेवलप करना है कि मैं इसका पूरा इस्तेमाल करूंगा. यदि हमारी मेंटल एनर्जी बिखरी रही तो जैसे कि सूरज की किरणों में बहुत ताकत है, लेकिन आप एक पूरे दिन एक कागज अपने हाथ में लेकर के धूप में खड़े रहिए, आप जल जाइएगा, कागज नहीं जलेगा. राइट. लेकिन यदि उसी कागज के ऊपर में एक जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से रोशनी डाला जाए तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जल जाएगा. विद इन सेकेंड्स वो जो है कागज जल जाएगा. यस और नो? उसी प्रकार से हमारी मेंटल एनर्जी के साथ है, अद्भुत ताकत है, लेकिन उसको चैनलाइज करना, उसका निर्देशक बन के फोकस करना, ये असल चुनौती है हमारे लाइफ की कि हम इसको कॉन्सेंट्रेट कैसे कर सकें. और इसकी इसीलिए कला सीखनी है कि हाउ टू बी डायरेक्टर ऑफ योर ओन माइंड.